वेलकम है आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल एंटायर एजुकेशनिस्ट पर। डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट वीडियो है बीजी सेक्स सेमेस्टर कैंडिडेट्स के लिए, सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां से आपको पीजी एंट्रेंस टेस्ट और जॉब्स एग्जाम्स प्रिपरेशन, मॉक टेस्टर्स और बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो कल कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बीजी सेक्स सेमेस्टर बैच 2019 और बाकी बैकलॉग बैच का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया। इससे पहले 29 दिसंबर 2022 को कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बीजी सेक्स सेमेस्टर का इवोल्यूशन स्टेटस डिक्लेयर किया था, लेकिन इवोल्यूशन स्टेटस में एरर्स थे, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं किए थे, जिसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ने यह भी क्लेम किया था कि 48 आवर्स तक ये सारे मार्क्स अपडेट किए जाएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन मार्क्स अभी तक शो नहीं कर रहे थे, यानी रिजल्ट से पहले पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इवैल्यूएशन स्टेटस पूरी तरह अपडेट नहीं किया था, और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वरीड हो गए थे कि अब हम कैसे अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, क्या हमें यूनिवर्सिटी जाना है, करे तो करे क्या। और कल कश्मीर यूनिवर्सिटी ने फाइनली बीजी सिक्स सेमेस्टर बैच 2019 और बाकी बैकलॉग बैच का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया, और लगभग कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में अपडेट किए हैं। लेकिन जब भी आपने रिजल्ट चेक किया होगा बीजी सेक्स सेमेस्टर का, दो टर्म्स आपने देखी होंगी और काफी सारी मैसेजेस भी आई कि सर इन दो टर्म्स का क्या मतलब है, एक है PSNC और CGPA, और इनका क्या मतलब है, क्या आपको करना है, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में जान जाओगे। ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कश्मीर यूनिवर्सिटी की, ये इन्होंने आज रिलीज नहीं की है बल्कि ऑलरेडी अपडेटेड है कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, कन्वर्जेड ऑफ क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स। CGPA का मतलब है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जब भी आप रिजल्ट चेक करते हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट में वहां पे मार्क्स शो होते हैं, यानी फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो आपको ग्रेड पॉइंट्स में शो होता है। लेकिन अगर आप इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि कितने परसेंट मेरे मार्क्स हैं, तो ये कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बताया है कैसे आपको मार्क्स में ये कन्वर्ट करना है। तो यहां पे आप देखें, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्नड दैट द कन्वर्जन ऑफ ग्रेड पॉइंट्स इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज सिंपली ऑब्टेनड बाय मल्टीप्लाइंग द फॉर्मर बाय 10। फॉर इंस्टेंस, ग्रेड पॉइंट ऑफ एवरेज ऑफ 8.35 मींस ए परसेंटेज ऑफ 83.5, मींस अगर आपके पॉइंट्स है मान के चलिए 7.10, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू 10, तो जो वहां पे आएगा वो आपकी परसेंटेज है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी परसेंटेज 6 है तो इसको आपको मल्टीपल करना है 10, इसका मतलब है 60% आपकी परसेंटेज है। इसी तरह जितने भी आपके पॉइंट्स मिले हैं, चाहे 5 है, 4 है, 3 है, 9 है, 8 है, 7 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 10। लेकिन अगर आपके पॉइंट्स है 7.83 भी आपको डालना है, फिर करना है मल्टीप्लाइड बाय 10, वहां पे जो आपको रिजल्ट निकलेगा, जो परसेंटेज आपको निकलेगी वो आपकी परसेंटेज है। इसका मतलब है ये आप ये जो है CGPA, इसकी आपको परसेंटेज निकालनी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कैसे आपको अपनी परसेंटेज निकालनी है। इसके मजीद भी अगर आपको डाउट है, अगर आपको नहीं आ रहा है कैसे परसेंटेज निकालनी है, तो डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा इश्यू जो कई स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा वो है PSNC। इसका मतलब है अगर आपके रिजल्ट में PSNC शो हो रहा है तो इसका मतलब है जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका मतलब इनमें से कोई सेमेस्टर आपको बैकलॉग है, कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है, एक या दो या तीन सेमेस्टर आपको बैकलॉग है, इसीलिए आपके रिजल्ट में PSNC शो कर रहा है। आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, उन सेमेस्टर्स को आपको पास करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट शो किया जाएगा। So, ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो बीजी सेक्स सेमेस्टर कैंडिडेट्स के लिए। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।